Dear students, in this topic, we shall discuss and define the temperature neutral zone, lower critical temperature, and upper critical temperature for endotherms. The environmental temperatures affect the thermoregulatory activities of homeothermic endotherms. These environmental temperatures have three ranges: the thermal neutral zone, lower critical temperature, and upper critical temperature. The thermal neutral zone is the range of temperatures at which the basal rate of heat production balances that of heat loss. इसमें हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस बराबर होती हैं. देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन दिस रेंज. इस रेंज में जो भी टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत पेश आती है, दैट इज जस्ट थ्रू अल्ट्रेशंस इन द थर्मल कंडक्टेंस ऑफ बॉडी सरफेस. दिस थर्मल कंडक्टेंस ऑफ बॉडी सरफेस टेक्स प्लेस थ्रू नंबर वन वेसोमोटर रिस्पॉन्सेस बाय कंस्ट्रिक्शन आर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. नंबर टू पोस्टोरल चेंजेस टू अल्टर द एक्सपोज्ड एरियाज. नंबर थ्री रेगुलेशन ऑफ इंसुलेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ पीलेज आर प्लूमेज, फॉर एग्जाम्पल रेजिंग आर लोअरिंग द हेयर्स आर फेदर्स. Dear students, the lower critical temperature is the ambient temperature below which an endotherm's basal metabolic rate becomes insufficient to balance the heat loss. Below this, animal must increase heat production by thermogenesis to offset the heat loss. Dear students, below the lower critical temperature, heat production rises linearly with decreasing temperature. जो जो temperature decrease करता है उसी हिसाब से thermogenesis का process जो है वो ज्यादा heat production कर रहा होता है. This zone is known as the zone of metabolic regulation. इसमें मेटाबॉलिक रेगुलेशन करना पड़ती है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हीट जनरेशन में इजाफा करना पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, इफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर फॉल्स बिलो द जोन ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशन, देन द कंपनसेटिंग मैकेनिजम्स ऑफ एनिमल्स, जो हीट जनरेशन के लिए एक एनिमल के पास मैकेनिजम्स मौजूद हैं, अगर जोन ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशन या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तो ऐसे मैकेनिजम्स फेल हो जाते हैं. देन मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप्स, बॉडी कूल्स, एनिमल एंटर्स अ स्टेट ऑफ हाइपोथर्मिया एंड बॉडी कूल्स प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली एनिमल डाइस. डियर स्टूडेंट्स, the upper critical temperature is the temperature zone which activates evaporative heat dissipating mechanisms like sweating and panting. Above the upper critical temperature, the condition becomes hyperthermia. Agar temperature upper critical temperature se badh jata hai, तो इन दैट केस एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया में हीट प्रोडक्शन हीट लॉस से एक्सीड कर जाती है. अगर एवेपोरेटिव हीट लॉस मैकेनिज्म, जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर ये फेल हो जाता है, तो देन हाइपरथर्मिया बिकम्स लीथल.